मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास मरम्मत के लिए एक बार फिर बंद होने वाला है। कुछ महीने पहले ही इस बाईपास का उद्घाटन किया गया था, मगर अब मुमरा बाईपास की हालत दयनीय बनी हुई है। जगह जगह आपको गड्ढे मिलेंगे, यहाँ तक कि रेती बंदर से बाईपास पर चढ़ते ही पुल की हालत तो बेहद ही खराब है। कुछ दिन पहले ही इस पुल पर बड़ा सा होल हो गया था, जिसकी मरम्मत भी किया गया है, मगर इसके अलावा खतरे की घंटी बजा रहा है ये पुल। जगह जगह सरिया दिखाई दे रहा है। 24 घंटे मुमरा बाईपास से गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से अन्य जगहों जैसे नवी मुंबई, उरण, JNVT पोर्ट ट्रस्ट के लिए मालवाहक वाहनों का इसी मुमरा बाईपास से आवागमन होता है, मगर इस बाईपास की हालत बद से बदतर हो गई है। ऐसे में मरम्मत कार्य के लिए 4 महीने तक इस मुमरा बाईपास को एक बार फिर से बंद रखने का निर्णय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने लिया है। करीब 1.5 वर्ष पूर्व मुमरा बाईपास का मरम्मत के लिए बंद किया गया था, जिसकी वजह से ठाणे शहर में उस वक्त यातायात की भारी समस्या पैदा हो गई थी। आपको बता दें कि नवहासेवा उरण स्थित JNVT बंदरगाह से सामान लेकर मालवाहक भारी संख्या में गुजरात, भिवंडी, नासिक मार्ग से अन्य राज्यों के लिए जाते हैं। ये मालवाहक ज्यादातर टोल टैक्स न होने की वजह से मुमरा बाईपास से होकर जाते हैं। इस मुमरा बाईपास का निर्माण अटलांटा कंपनी ने किया था और इस कंपनी ने 2008 से 2016-17 तक टोल टैक्स लिया और इस बाईपास का मरम्मत कार्य भी किया, मगर टोल टैक्स बंद होने के बाद मुमरा बाईपास का हाल बुरा हो गया और ये मुमरा बाईपास गड्ढों में तब्दील हो गया। गड्ढों की वजह से इस बाईपास को धोखादायक घोषित कर 2018 में इसे वाहनों की आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद 4 महीने मरम्मत कार्य के बाद मुमरा बाईपास फिर शुरू किया गया, मगर अब एक बार फिर मुमरा बाईपास 4 महीने के लिए बंद होगा, क्योंकि मुमरा बाईपास जगह जगह से टूट गया है और बेहद ही खतरनाक स्थिति में है। सार्वजनिक विभाग ने बाईपास के मरम्मत का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। करीब 1.5 से 2 महीने के बाद मरम्मत कार्य शुरू होने की बात सामने आ रही है। बाईपास बंद होने से एक बार फिर नवी मुंबई, कल्याण, भिवंडी, ठाणे शहर में जगह जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।